हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड हाई स्कूल वैकेंसी 2024 की बात करेंगे कि झारखंड में जो है आपको TGT के रिक्रूटमेंट जो है जल्द देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं और किस बिहा पे बोल रहा हूं, सारे प्रूफ सारे ऑथेंटिकेशन के साथ में आया हूं, उसके बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, वैकेंसी 3 अलग अलग सेक्टर से आपको देखने को मिलेगी। पहली वैकेंसी आपको जो है 2016 के माध्यम से देखने को मिलेगी, जो बचे हुए पद हैं वो अगले रोस्टर के लिए ऐड हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो 2016 से अभी तक 2024 का समय है, यानी कि लगभग लगभग 8 साल आप समझ लो, तो इनमें से जो टीचर रिटायर गए हैं उसकी जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो नए पद सृजित होंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो खैर, सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, एक एक करके सारे चीज़ों को देख लेंगे। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि क्या अदर स्टेट वाले झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से अवेलेबल होगा, और इस अवसर को चूकना नहीं है आपको, क्योंकि झारखंड में देखो हमेशा याद रखना, नेताओं की जो है ना नब्ज टटोलनी है। तो याद रखिएगा, वोटिंग यानी कि इलेक्शन वाले समय में जो है आप इनको पहचान सकते हो, जान सकते हो, और ये समय है, ये वक्त है जहाँ पे नेता आपके नीचे होते हैं। अदरवाइज आप तो नेता के सामने हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, लेकिन ये काम करते नहीं हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, 2024 जो है चुनाव का साल है, ये जो है चुनावी साल है, याद रखिएगा, क्योंकि झारखंड में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और सबसे पहले तो लोकसभा का इलेक्शन होगा, वो तो होगा ही। तो लोकसभा और जो विधानसभा के इलेक्शन है, दोनों के कारण जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है, केंद्र सरकार के माध्यम से भी, क्योंकि केंद्र सरकार के जो सांसद जो बनते हैं वहां पे जो है JMM या फिर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी, तो अभी वो जो है कुछ लुभावने जो है वादे जो है आपके सामने कर सकती है। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे, वन बाय वन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले सिलेबस के लिए जो है डेडिकेटेड वीडियो अलग से आएगी, आई रिपीट, ये अलग से वीडियो आएगी। आपको करना क्या है, नीचे कमेंट करके अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है विथ योर प्लेस, नेटिव प्लेस। जैसे सपोज कर लो, ये वीडियो मैं आपको देवघर से बनाकर दे रहा हूँ, तो अगर आप इस वीडियो को रांची से देख रहे हो, पटना से देख रहे हो, या फिर लखनऊ से देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, या झारखंड के किसी और हिस्से से, दुमका, बोकारो, धनबाद से देख रहे हो, तो नीचे कमेंट करके नीचे वो जो है उस जगह का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब बात करते हैं, क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, तो हाँ बिल्कुल एलिजिबल है। याद रखिएगा, झारखंड में जो हाई स्कूल की भर्ती आएगी उसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन सिर्फ जो है बचे हुए रिजर्व सीटों को छोड़ करके, जैसे कि EWS का यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है जो कि हर जगह होता है, OBC, SC, ST के जो रिजर्वेशन है उसके अलावा 40% पे जो है बाहरियों को यहाँ पे मौका मिलेगा, जो कि काफ़ी है। बिहार में जो है आपको लगभग लगभग 25% जो है सीटें मिलती है, 100 में 25 सीटें जो है लोगों के लिए जो है खाली रहती है, लेकिन झारखंड में 40 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अब आगे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बात करेंगे। आप देखो, सब्जेक्ट आज पहले लिख दो नीचे कमेंट सेक्शन में, और उसके ऊपर से अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। अब बात आती है कि भैया यहाँ ये जो डेटा है, ये आप जो बोल रहे हो कहाँ से बोल रहे हो, तो यहाँ से देखो, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसके अलावा मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेकर जाऊँगा। यहाँ से देख पाओगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चल रही स्नातक प्रशिक्षित जो परीक्षा है, 2016 से ही जो इसका विज्ञापन आया था, और ये भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन इसमें देखिए कितने पद पर जो है नियुक्ति हुई है, 9916 पद पे जो है भर्ती हुई है, और लगभग लगभग 8171 पद जो है खाली रह गए हैं, ये पद अगले रोस्टर के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो 2016 में जो पद खाली रहे वो ऐड होने वाला है यहाँ पे, लगभग कितने 8000 भर्ती जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो, 16 से 24 तक में जितने लोग जो है रिटायर कर गए हैं वो भी पोस्ट आपको यहाँ पे लगभग लगभग 9K के करीब जो है देखने को मिलेगा। तो लगभग लगभग जो वैकेंसी है 15 से 17 हज़ार के बीच में जो देखने को आपको मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। तो मैं आपको बता दूं, 2016 की जो बची हुई पद हैं वो आपको देखने को मिलेगा, और इसी तरह से 2024 के लिए भी जो पद खाली हैं 9000 वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो 15 से 17 हज़ार की वैकेंसी को जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि यहाँ से इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल की ओर लेकर चलता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। दैनिक जागरण का ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ से देख लो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ। JSSC टीचर रिक्रूटमेंट में देखो यहाँ पे लिख दिया गया है कि खाली रह गए 8000 पद। अब जो नई बहाली आएगी इसके बारे में क्या हिंट दिया गया है वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां से देखो, हिंट आपको जो है नीचे दिखेगा, यहां पे देख लो, जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहां पे देखो ये अभी भी जारी है, और 17,784 पदों पे जो है पोस्ट के लिए जो है निर्धारित की गई थी। अब देखिए क्या होगा,
8171 पद पे जो है यहाँ पे टीचर की वैकेंसी खाली रह गई थी। तो ऐसे में अभ्यर्थी इनको मिले नहीं थे, कैंडिडेट मिले नहीं थे, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो बड़ी संख्या में जो है सीटें खाली रह गई थी। अब देखो क्या बोला गया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इन रिक्त रहने वाले पदों पे जो है इसका आकलन कर रही है, एनालिसिस कर रही है कि फिर से नई नियुक्ति प्रक्रिया जो है, नई नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में ये बात कर रही है, समीक्षा कर रही है, ताकि जो है नए वैकेंसी के बारे में जो है यहाँ पे ये जो है, या फिर नए सभी मिलाकर, या फिर इन बचे हुए पदों पे अलग से वैकेंसी निकालने की जो है गुंजाइश सरकार के द्वारा रखी जा रही है। ये तो मैंने आपको न्यूज़ आर्टिकल दिखाया, यहाँ से देख लो आप। एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी ये जो चीज़ें हैं गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं जो है थोड़ा देर से जो है इन चीज़ों पर रिएक्ट करता हूँ। यहाँ से देखो आप, डेट देखोगे तो 24 फरवरी 2024 को जो है आपको ये दिखेगा। अब देखिए मैं आपको एक ऑफिशियल पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं, ताकि चीजों को और अच्छे से आप जो है समझ पाओ। चलिए मैं ऑफिशियल पीडीएफ की ओर आपको लेकर चलता हूं। चलिए ये देखो ऑफिशियल पीडीएफ है, यहां से डेट देख लो आप। सबसे पहले वेट ए मिनट, मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं। 23/2/2024 की ये डेट आपको दिखेगी, कहां के लिए? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से। यहां पे क्या बोला गया है कि नए विद्यालयों को जो है 1353 विद्यालय का जो है यहां पे जो है स्कूलों को जो है सृजित किया गया, स्थानांतरित किया गया है। अब देखो ये डेटा वगैरह दिया गया है, इससे हम लोगों का काम नहीं है। यहाँ पे देखो जो टोटल टीचरों की रिक्रूटमेंट एक स्कूल में होनी चाहिए, वो टोटल हर एक स्कूल में 15 जो है आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे कितने स्कूल जो है यहाँ पे नए सृजित किए गए हैं, तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया है 338। अगर आप 338 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने पोस्ट जो है नए ओपन हो जाएंगे, तो चलो मैं आपके सामने ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से जो है आप देख पाओगे अच्छी खासी वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी, अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। वेट ए मिनट, मैं इरेज कर लेता हूं। यहां से देखो देखो ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहां 3 और यहां 3। अगर आप इसे ऐड कर लोगे तो यहां पे जो है 5070 पद नए स्कूलों के कारण जनरेट होगी। यहां से हम अगर हम लोग इसे जो है 5K भी कंसीडर कर लें, और उधर से लगभग लगभग 8K यानी कि 8000 पद पिछले वाले ओपन हुए, और जो कुछ रिटायर करेंगे, ऑब्वियसली बात है ना, 8 सालों में बहुत सारे टीचर रिटायर भी कर गए होंगे, तो मैं इसे जो है ज्यादा नहीं मानता हूं, इसे जो है 7 मान लेता हूं, तो लगभग लगभग 20,000 पद खाली हैं। और आपको पता है कि सरकार 20,000 पद नहीं निकालती है एक बार में, 20,000 पदों पे ये बहाली नहीं करेगी। तो 20,000 पद पे बहाली नहीं करेगी तो कम से कम 12 से 15,000 वैकेंसी तो एटलीस्ट कहीं नहीं जा रही है, ये वैकेंसी आपको जो है जल्द ही देखने को मिलेगी। हाई स्कूल के सिलेबस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैंने आपको जैसा बताया था, नीचे कमेंट करके सिलेबस का नाम जरूर लिखें कि आपको किस सब्जेक्ट की जो है वैकेंसी के बारे में जानना है। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसके ऊपर जो है सरकार काम कर रही है, और अगर ये जो है मार्च के समय में अगर ये वैकेंसी आती है तो ठीक है, अदरवाइज ये वैकेंसी मार्च में अगर नहीं आ पाती है या अप्रैल में नहीं आ पाती है, तो देन ये जो है झारखंड के विधानसभा से ठीक पहले जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। या हो सकता है कि जैसे ही लोकसभा की जो चुनाव के लिए जो आचार संहिता लगाई जाती है, वो आचार संहिता लगने के हटने के बाद जो है आपको झारखंड में भी जो है नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ये ऑफिशियल डेटा है, मैं कुछ अपने घर से जो है कुक करके आपके लिए नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लो मैंने सब कुछ देखो। एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे पीडीएफ वायरल होते हैं, ये पीडीएफ भी उसी का हिस्सा हो सकता है, तो मैंने पहले रुका, ये 23 की न्यूज थी, फिर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे वेरिफिकेशन करा, फिर अपने जो यूट्यूब के दोस्त हैं जो कि सरकार में अंदर की खबर रखते हैं उनसे कांटेक्ट करा, और फिर जो है बात चली कि ये पीडीएफ बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, और अब मैं जो है आपके सामने इन चीज़ों को रख रहा हूँ। तो जल्द ही जो है आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तैयार रहिए, कमर कस लीजिए और नीचे कमेंट करके सिलेबस का नाम लिख दीजिए, अपने सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए। जब भी उस सब्जेक्ट के बारे में मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली एक डिटेल्स जो है वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा, सिलेबस को पढ़ लीजिए और पुराने वाले सिलेबस को लगभग लगभग रखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।